हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि थर्मामीटर यूज करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, थर्मामीटर यूज कैसे किया जाता है और सबसे सटीक रीडिंग कैसे ली जाती है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि डॉक्टर जो बुखार नापते हैं कहते हैं 102 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, तो वो फारेनहाइट में कहते हैं या डिग्री सेल्सियस में कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है और डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा डिजिटल थर्मामीटर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिजिटल थर्मामीटर। जी हाँ दोस्तों, इसको कैसे यूज करना है, किस प्रकार यूज किया जाता है, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं। दोस्तों इसको यूज करने के लिए, अगर बच्चों को यूज करना है तो आप बगल में यानी दोनों हाथ के नीचे की जो जगह होती है वहाँ पर इसको लगा के, ये जो मेटल आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से उसमें लगाना है। उसके बाद दोस्तों इसकी रीडिंग सटीक आती है। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर उम्र ज़्यादा हो, जैसे 15 साल से एज ज़्यादा हो, तो उसको जो है जीभ के नीचे लगाकर चेक करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मेटल होता है वो अच्छी तरह से जीभ के नीचे रखा हो। तो दोस्तों सबसे पहले आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने स्टार्ट कर दिया, ये हमारा अभी फारेनहाइट में बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फारेनहाइट में अभी रीडिंग बता रहा है। इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में करें, इसको बंद करके इसको थोड़ी देर बाद इसको थोड़ी देर प्रेस करें, आप देखिए ये तो अभी लो है। देखिए डिग्री सेल्सियस में बताने लगा, डिग्री सेल्सियस में बताने लगा। पुनः इसको बंद करेंगे और फारेनहाइट में हम इसको लगाएंगे। आइए फारेनहाइट में लगाएंगे। अब दोस्तों बुखार कैसे चेक करते हैं आइए देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा लिया, अब इसकी रीडिंग अब देखते हैं। 94.7, 95.4, 96.2, 96.4, 96.7। अब हम हूटर बजने का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। जब हूटर बज जाएगा तो समझ जाएंगे कि हमारी रीडिंग जो है वो बिल्कुल सटीक है। दोस्तों थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। ये जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं ये डिजिटल थर्मामीटर होता है, जिसको कि आसानी से यूज किया जाता है। दोस्तों जो डॉक्टर बताते हैं कि 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार है, वो फारेनहाइट में ही होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है और डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हूटर बजने का इंतज़ार कर रहे हैं, 97.4 पर रुका हुआ। इसका मतलब ये है कि हमको बुखार नहीं है, अगर बुखार होता तो 100 के ऊपर जाता है। तो दोस्तों हूटर बज चुका है और यहाँ पे हमारी रीडिंग देख सकते हैं आप, 97.4, यानी हमको बुखार नहीं है। ये रहा बिल्कुल सटीक रीडिंग। इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 34.6। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस प्रकार यूज करते हैं। दोस्तों इसके रख रखाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको एक आदमी को यूज करने के बाद दूसरे पेशेंट को जब यूज करते हैं तो इस मेटल को अच्छी तरह धो लेते हैं। गुनगुने पानी से धो लीजिए, उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए, हो सकता है तो साबुन से भी धो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सेल वाला है, इसमें सेल लगा होता है दोस्तों। दोस्तों ये फार्मूला है फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का। अगर मान लीजिए 100 डिग्री फारेनहाइट आपके पास है रीडिंग, तो सेल डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए एफ की जगह 100 रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला है डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने का। अगर डिग्री सेल्सियस में आपके पास मान है तो डिग्री सेल्सियस की जगह आप वो मान रख देंगे, फारेनहाइट में आपको रीडिंग पता चल जाएगी।